सिक्किम के पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले रंगपो से एक बेहद ही मन विचलित करने वाला दृश्य सामने आया है, जिसे देख देख कर लोग काफी भावुक हो रहे हैं। इस घटना में रंगपो के आईबीएम के 70% से अधिक कच्चा मकान ढह गया, तो वहीं कईयों के सपनों का मकान चंद मिनटों में ही पानी में समा गया। इस घटना में चारों तरफ मलबे ही मलबे देखे जा रहे हैं। कईयों के वाहन और कईयों के घर का सामान मलबे में समा गया है। एक तरफ से कहा जा सकता है कि इस घटना ने सिक्किम की सुंदरता को ही छीन लिया। 4 अक्टूबर को सिक्किम में आई आपदा से आप सभी अवगत है। इस घटना के बाद सिक्किम के पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले रंगपो से एक दिल विचलित करने वाला दृश्य सामने आया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में रंगपो में स्थित आईबीएम के 70% से अधिक कच्चा मकान ढह गया। इस घटना में कई जाने गई और कई वाहन मलबे के नीचे आ गए। कई घर बाढ़ में समा गए, कई निवासी घर से बेघर हो गए। हालांकि कुल कितना नुकसान हुआ इसका आकलन अभी भी नहीं किया जा सका। सामने आई वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है। इस वीडियो में जगह जगह पानी और मलबा साफ नजर आ रहा है। इस बाढ़ की घटना में तीस्ता नदी का जलस्तर 6 गुना बढ़ गया। घटना में झोपड़ियों के साथ साथ 2 तल्ला मकान भी पानी में ढह गए। इस घटना को 6 दिन हो चुके और इस घटना ने सामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जगह जगह मलबा पड़ा है और उस मलबे के नीचे कई वाहन, कईयों के घर और कई सामान दबे हुए हैं। हालांकि मलबे को हटाने का कार्य पिछले 5 से 6 दिनों से जारी है और कई हद तक कार्य पूरा हो गया है, लेकिन अब भी यह स्थिति सामान्य नहीं हुई। इस वीडियो के माध्यम से सिक्किम से जुड़े रंगपो का दृश्य हमने आप सभी के सामने रखा। इस घटना में सिक्किम वासियों ने अपना बहुत कुछ खोया है। हम उम्मीद करते हैं कि सब एकजुट होकर इस दुख की घड़ी में सिक्किम का साथ दें और वापस से सिक्किम को उसकी खूबसूरती वापस मिले और वहां के लोगों का जीवन सामान्य और सुखी से भरा हो।